स्वागत है आपका आईक्यू स्टडी चैनल आल्टर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आज देखते हैं हम बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक भी लिनियस ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टमा नेचुरी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? जो भी लिनियस की प्रसिद्ध पुस्तक है सिस्टमा नेचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों को रखा गया है? तो पुष्पी पादपों को फेनरो गैम्स में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अपुष्पी पादपों को रखा गया तो अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। और अगला क्वेश्चन है, वर्गीकी की आधारी इकाई है? तो वर्गीकी की आधारी इकाई स्पीसीज है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट्स होते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधे जो होते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है? पौधों के नाम को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति को। अगला क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो वो अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेन हॉक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो जीवाणु से संबंधित कथन जो है वो है, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या है? तो जीवाणु की साधारण आकृति छड़ रूपी होती है। अगला क्वेश्चन है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं वो गोलाणु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गोल जीवाणु कहलाता है? तो गोल जीवाणु कोकस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं? तो सर्पिल जीवाणु को स्पाइरिलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक जीवाणु में अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है? तो वर्णिकी लवक कहलाता है। पाश्चर प्रसिद्ध की है? तो पाश्चर प्रसिद्ध की जर्म रोगों की थ्योरी के लिए पाश्चर प्रसिद्ध की है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीव है? सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं, तो वो नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती हैं? मतलब रूट नूड्यूल्स किस में पाए जाते हैं? तो कुछ लेग्यूमिनस पौधे में पाए जाते हैं। रूट नूड्यूल कुछ लेग्यूमिनस पादपों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इनमें इस तरह से ये मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है? तो एसरिसिया कोकाई नमक का जीवाणु है जो मानव के आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु, तपेदिक मतलब टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु जो तपेदिक उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होते हुए भोजन की विषाक्तता क्लॉस्ट्रिडियम वेटुलिनियम द्वारा भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक अधिकांश प्राप्त होते हैं? तो एंटीबायोटिक अधिकांश जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 64 जीवाणु बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सा फसल सहायक होती है? तो फली की फसल इसमें सहायक होती है।
अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का अवशोषण करती है। अगला क्वेश्चन है, मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो एनाबीना नामक जीवाणु होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रशीतन खाद परिरक्षण में मदद करता है? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने का। अगला क्वेश्चन है, दही जमने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटोबैक्टर नामक सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो दूध का दही के रूप में जमने का कारण खमीर यानी ईस्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण सहजीवी जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो इवानोस्की ने सर्वप्रथम विषाणु की वायरस की खोज की। विषाणु माने जाते हैं तो सहजीवी और नरजीवी के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप होता है जिसमें विषाणु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीएमबी शब्द संबंधित है? तो टीएमबी शब्द विषाणुओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है कहलाता है? तो वो हाइड्रोफोबिया नामक रोग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? तो एडवर्ड ने चेचक के टीके का विकास किया था और एडवर्ड जेनर ने खोज की। तो एडवर्ड जेनर चेचक के टीके का खोज किया था। विषाणु वृद्धि करता है? विषाणु जीवित शरीर में वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम अनुपस्थित होता है? एंजाइम विषाणुओं में अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स के कारण है? तो एड्स का कारण टी फोर लिम्फोसाइट की कमी है। और अगला क्वेश्चन है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग? तो एचआईवी द्वारा होने वाला रोग एड्स है। अगला क्वेश्चन है, एड्स वायरस क्या होता है? तो एक सूची आरएनए होता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स का कारण है? तो वायरस एड्स का कारण है। एचआईवी संबंधित है? तो एड्स से एचआईवी एड्स से संबंधित है। एड्स फैलता है असुरक्षित शारीरिक संबंध से भी एड्स फैलता है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, सार्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग, सार्स एक विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के संक्रमण के कारण खसरा होता है। चेचक रोग किस कारण होता है? तो विषाणु के कारण चेचक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये भी विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, आलू में मोजैक रोग यानी मोजैक डिजीज का कारण क्या है? तो विषाणु है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिनमें जिनमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। और अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो यूक्लोरेला नामक शैवाल मिलता है। अगला क्वेश्चन, सरगोसा समुद्र का नाम पड़ा? तो शैवालों के कारण समुद्र का नाम सरगोसा पड़ा। अगला क्वेश्चन, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया नामक शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त होता है।